जी हाँ, कुछ ऐसा ही किस्मत कनेक्शन जुड़ चुका है राघव और सिया का। I will never ever remove this. So we kept it very simple, beautiful, and something which is very close to his heart also and my heart also. And this has been selected by her, so it's a really smart ring. I can make it just a band whenever I want it. Sagai ka surprise dene ke baad, Aditya aur Natasha pehli baar aapke saamne hain. He's a sweetheart. He's my life. I would say he's my oxygen. I just can't be without him. That's why we decided that we have to be together forever and ever and ever. तो कब है बैंड बाजा और बारात की तैयारी? रियल लाइफ की ये जोड़ी रियल में कैसे हुई एक? गुपचुप सगाई से लेकर इनके प्यार की पूरी कहानी सुनिए इन्हीं की जुबानी। ये घटना 29 अप्रैल को हुई। सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था एंड हम हमारे क्लोज रिलेटिव फ्रेंड्स को नहीं बुला पाए बिकॉज एवरीथिंग हैपेंड इन अ हरी। बहुत जल्दी जल्दी में हुआ लेकिन हम शादी पे सबको जरूर बुलाएंगे। सो वी आर रियली रियली सॉरी एंड वी नो दैट यू लव अस और बस हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे। किसी ने किसी को भी प्रपोज नहीं किया और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ फिल्मी स्टाइल। क्या आपने कभी भगवान जी को कहा कि वाओ इतनी अच्छी लड़की आपने मुझे दी, थैंक यू गॉड? कभी ऐसे कुछ? मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि यार ऑब्वियसली यार परी मिली है मुझे, लेकिन कभी कभी ये भी सोचता है मेरी तरफ कौन देखेगा? मैं हूँ देखने के लिए, और किसी को देखना भी नहीं चाहिए। तो बस ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ मिल जाएगा। ऑब्वियसली हम पहले दोस्त ही थे क्योंकि जब मिले थे तब टोटल स्ट्रेंजर्स थे और जिस तरह से हम एक दूसरे से मिले थे तो ऐसा लगा था एक दूसरे को बहुत सारा एटीट्यूड है और धीरे धीरे वी स्टार्टेड वर्किंग, काम करते गए, एक दूसरे को समझते गए और धीरे धीरे प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। हमने कुछ ऐसे शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था और इट वॉज नॉट प्लान्ड, जस्ट हैपेंड। चलिए, हिम्मत जुटा के आपने कह दी और सब लोग राजी, पेरेंट्स भी राजी, आप भी राजी, तो अगला स्टेप का कुछ सोचा है, कुछ टाइम बताया है? नहीं, अभी तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। वी आर टेकिंग अ टाइम। इफ यू फील लाइक हमारी शादी बहुत जल्द हो जाए, 6 महीने में भी हो सकती है, लेकिन वी आर गिविंग अरसेल्फ्स अ लिटिल टाइम, साल भर तो है, तो आफ्टर दैट वी विल टेक द नेक्स्ट स्टेप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही रहें और ये बढ़ता रहे प्यार। नहीं, मैं तो अभी घर जाके चेंज करूंगा, बहुत गर्मी है। एटलीस्ट दर्शक समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहती थी, कि हम उम्मीद करते हैं कि आदित्य नताशा का प्यार बढ़ता रहे। कैमरा पर्सन मंगेश सावंत के साथ सुजन जोस, मुंबई आज तक।